बुलडोजर से डराने वाली नवाब सतपाल तंबर से डरी योगी सरकार। लखनऊ में नहीं टूटेंगे हिंदुओं के मकान। भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंबर के बयान के बाद पंतनगर, अबरार नगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर में नहीं टूटेंगे हिंदुओं के मकान। भाई विशेष तौर पर बताऊं आपको बात, उत्तर प्रदेश के हिंदू, उत्तर प्रदेश के मुसलमान और इन सबसे अलग हटके मैं दलित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दलितों की गिनती हिंदू में होती नहीं है। जब कावड़ यात्रा करनी है तो भैया दलितों की गिनती हिंदुओं में होती है। जब वोट चाहिए तब भी बीजेपी दलितों की गिनती हिंदुओं में करती है और मुसलमानों के खिलाफ तैयार करती है दलितों को हिंदू बना करके जब चुनाव नहीं होते हैं। और कड़वा सच और बताऊं मैं आपको, कड़वा सच ये भी है कि दलित, मुसलमान, हिंदू इन तीनों में कोई बैर नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। ये सब बीजेपी की गंदी राजनीति की देन है। अब लखनऊ में अबरार नगर, पंत नगर, रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, खुर्रम नगर, इन जगहों पर योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो अपना बुलडोजर लेकर पहुंच गए और बुलडोजर लेकर पहुंच गए, डरा दिया लोगों को। वहां रातों रात अपनी रजिस्ट्री की कॉपियां जो है घरों के बाहर लोग लगाने लगे, चिपका दी मीडिया में, सोशल मीडिया में आया। पहले तो आपके भैया जी भी बोले नवाब सतपाल तंवर और खूब क्लास लगाई योगी आदित्यनाथ जी की, जमकर क्लास लगाई। हुआ क्या, रातों रात ये सब बातें वायरल हो गई और इसके बाद मां पहुंच गई मेन स्ट्रीम मीडिया योगी आदित्यनाथ जी को मक्खन लगाने, चढ़ाने, झाड़ के पेड़ पर चढ़ाने। और योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी की पॉलिसी, डराओ राज करो, भड़काओ राज करो, फूट डालो राज करो, ये है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की पॉलिसी और बीजेपी की, पूरे देश में बीजेपी की पॉलिसी। अब ये कहोगे कि सतपाल तंवर पानी पी पी के बीजेपी को और योगी जी को कोसता है। भैया मैं कोसू चाहे ना कोसू उससे तुम्हें फर्क पड़ने वाला नहीं है और ये कड़वा सच भी है, क्योंकि अपनों की पहचान करना सीखो, अपने कौन है, वास्तविकता क्या है, राजनीति से अलग हटके तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। नवाब सतपाल तंवर लखनऊ के लोगों के साथ, गरीबों के साथ, हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, ओबीसी के साथ, सभी वर्गों के साथ मैं खड़ा हुआ और मैंने ये आवाज उठाई कि भाई ये मकान तोड़े ना जाए। अब मेन स्ट्रीम मीडिया के वहां पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने अपना फैसला पलटा और जैसे कहते ना कि रात गई बात गई, और ये कहते हैं कि भाई हुआ तो कुछ था ही नहीं, ये कहते जो लाल निशान क्रॉस के लगाए हैं, योगी जी कहते हैं जो लाल निशान क्रॉस के लगाए हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अरे भाई मतलब नहीं है तो लगाए क्यों, पहले तो बुलडोजर का डर दिखाते हो फिर योगी जिंदाबाद के नारे लगवाते हो। अरे भैया शर्म कर लो यार कुछ, हमारे यूपी के दोस्त, यूपी के भाई बंधु, महिलाएं, माताएं, बहनें इतनी मूर्ख भी नहीं है। पहले तो तुम बुलडोजर की चढ़ाई करते हो, बुलडोजर का डर दिखाते हो और फिर तुम क्या करते हो, लाल निशान का कोई मतलब ही नहीं है, प्रशासन जाओ और अधिकारी जाएं, जाकर के उनकी गलतफहमी को दूर करें और इन जगहों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। क्यों भाई, बुलडोजर तुम्हारे पापा का है क्या, किसका है बुलडोजर? बुलडोजर का मालिक वो जो मेहनत मजदूरी करता है, तुम्हारा बुलडोजर कहां से आ गया? बुलडोजर तुम्हारे पापा का नहीं है। अब तुम बुलडोजर के मालिकों को, उनके चालकों को भी अपना पापा बना लोगे ना बीजेपी वालों, तो गिरी से गिरी हुई हरकत है तुम्हारी, खासकर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की। अब उन्होंने अपना फैसला पलट दिया है, मुकर गए, चुनाव में फायदा लेना है 2027 में इन लोगों को, इसलिए पहले बुलडोजर पूरे यूपी में बुलडोजर ने आतंक मचाया,
जमकर आतंक मचाया। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों के घर तोड़े, दलितों के तोड़े, मुसलमानों के तोड़े। अब तुम्हारा जो हाथ है ना, खूनी हाथ, वो तुम्हारा पहुंच गया कहां पर? हिंदू के गिरेबान तक। और अब हिंदुओं की तुम्हारी मिट्टी पलीत हो गई, विधानसभा सॉरी लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, तुम्हारी मिट्टी पलीत हो गई यूपी में। अब तुम हिंदुओं को डरा के रिझा रहे हो। ये हिंदू तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा, क्योंकि तुमने हिंदुओं को पागल बना के हिंदुओं का वोट लूटा है। अब हिंदू पागल नहीं बनेगा, हिंदू समझ चुका है। लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बीजेपी लड़वा रही है। समाजवाद की तरफ जाओ भाई, बहुजन की तरफ जाओ भाई, समाजीकरण करो भाई, लोकतंत्र की तरफ जाओ भाई, संवैधानिक व्यवस्था की तरफ जाओ भाई। बीजेपी वालों, ये क्या ड्रामा मचा रखा है तुमने? संविधान को ताक पे रख के तुम लोग ऐसा काम करते हो। क्रांतिकारी जय भीम साथियों।